गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं डेली हट बनेरिया ब्लॉक पे और आज मेरे साथ है कौन है विकी है विकी भाई हाय और है मेरा ब्लॉक में हमेशा आती है रेचल हाय। चलो दोस्तों बनेरिया ब्लॉक पे तो पहुंच गए हम लोग डेली हट। अभी आप लोग देख सकते हैं इधर से हम लोग टिकट बुक करेंगे ये टिकट काउंटर और ये यहीं से एंट्री। तो चलिए टिकट बुक करते हैं। तो टिकट 90 रुपये पर पर्सन 30 रुपीज़। तो यही है टिकट एंट्री टिकट पर पर्सन 30 रुपीज़। तो 4390 रुपीज़। तो गाइस हम लोग अभी अंदर तो घुस चुके हैं डेली हट पे। चलो आपको दिखाता हूँ अभी। आप लोग ये देख सकते हैं शायद ये पूरा हैंडमेड है। देख सकते हैं बैग्स भी है बैग्स आगे देख सकते हैं आप लोग। और ये जो लेफ्ट साइड में है ये सब कपड़े का सेक्शन है जैसे कि ट्रेडिशनल अटायर मिल जाएगा आपको इंडियन वेयर मिल जाएगा आपको ये सभी मिल सकते हैं। आगे जाके देखते हैं आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइस। और आपको इधर ज्वेलरी भी मिल सकता है इयर रिंग्स नेकलेस ब्रेसलेट। इसको क्या बोलते हैं भैया इसको लेदर नहीं इसको बुक को क्या बोलते हैं कुछ है अच्छा। सो ये पूरा हैंडमेड का है The paper. Even the paper and the cover is made of leather and these are all handmade papers see no technology used only handmade। फूड स्टॉल शिलोंग व्यू यू विल गेट मोमोस थुक्पा और ये है सिक्किम टूरिज्म सिक्किम फूड स्टॉल है ये। और आगे में आपको मिल जाता है राजस्थान की भी स्टॉल मिल जाता है इधर एंड दिस इज मणिपुर स्टॉल एंड दिस इज त्रिपुरा फूड स्टॉल। और ये है महाराष्ट्र फूड स्टॉल और इधर आपको मिल जाएगा पंजाब फूड टू पंजाब फूड भी मिल जाएगा आपको इधर। We found what you were searching for, Nagaland, the Nagaland food stall. Let's see.
ये पेपर से आपने बनाया? वेरी टैलेंटेड। सो क्यूट ना? 150 This is Luffy. Inosuke. Inosuke, Tanjiro. This is for the animation lovers. Zoro. And for me, I'm not an animation lover, but still then, for you guys. So guys, this is the stage. जहाँ पे occasions वगैरह जब functions होता है, occasions वगैरह होता है इधर, like different stages. Different people from different states come and perform here during functions or any occasions. So this is the main stage. ये record जो है अच्छा 1967 और भी इससे पहले वैसे भी हैं 1962 के अच्छा तो ये वही तकनीक अपन आती बाकी सब ये needle जितना sharp होता है उतना clear आता है ना अब इसमें चाबी नहीं भरोगा ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी म्यूजिक तो पहले छेड़ी जाइए सो द डिस्क इज 1967 old and even working music so uncle ji ye bhi kitna saal ka kitna ye late technique hai ye abhi ka bana hai acha acha technique hai ha chalta hai line lagao chalo acha so ye phone abhi bhi chalta hai agar aapko line lagate ho tab phone chalega so this are pure made of pure metal ye sab लोहे से बना हुआ है और ये जीनी और विकी फिलहाल जीनी को बुला रहे हैं तो जीनिया भी आएंगे ये रहा जीनी दिस इज वुडन टैंक एंड दिस इज वुडन ट्रेन इसमें थोड़ा और बड़ा है क्या या यही लास्ट पीस है बड़ा है इससे बड़ा है कितने कितने का मिलता है ये विकी सो कितना पड़ेगा विकी दिखाएगा बताओ विकी चीना वे पोजीशन आप ये भी तो जो बहुत अच्छा पीस है थोड़ा गाना दे गाना दे डेलिकेसी ऑफ आसाम में आए हैं चूज कर रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है मुझे तो थाली खाना है आई वॉन्ट टू ट्राई वेज थाली रेचल व्हाट डू यू नो हैव स्टिल थिंकिंग थाली इज मच बेटर आई गेस आपको सो विकी जो आप पी रहे हो थोड़ा बताओ बाहर में अंकल दस रुपए ये क्या है ये वैसे क्या है ये नींबू पानी है लेकिन दे डोंट रियली स्क्वीज द लेमन दे इट कम्स इन अ बॉटल लेमन वाटर दे जस्ट मिक्स इट विद द वाटर एंड यू नो अच्छा ये होता है ये थोड़ा प्रिजर्वेटिव का टेस्ट सो विकी बोल रहे हैं कि जो बाहर मिलता है और इधर जो मिल रहा है उतना डिफरेंस नहीं है लेकिन इसका प्राइस जो है ना 70 रुपीज़ है सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ बट चलो ट्राई करते हैं सो हम लोग का ऑर्डर आ चुका है
सो ये है वेज थाली। वेज थाली थाली में आपको मिल जाएगा, ये क्या है, दाल, ये दाल है और ये साग है, साग और ये मिक्स वेजिटेबल एंड देन ये पापड़ है, इसके अंदर वो भी है, क्या है, बैंगन का भरता। अच्छा ये वो जो बैंगन का पकौड़ा है, ये बैंगन का पकौड़ा है और ये क्या है, क्या बोलते ये आलू का चटनी काइंड ऑफ थिंग, ये सर आलू चटनी है और ये आलू का कुछ बॉयल करके वो लोग मिक्स करके बनाते हैं। सो ये पोर्क थाली है, सेम है, सिर्फ इधर पोर्क है और जितने भी वेज आइटम है सब सेम ही है। ये पोर्क थाली और ये विकी का थाली, विकी बताएगा, ये डक बाकी सारा सेम है। द मोस्ट थिंग जो वेट कर रहा था इतने दिन से ना, ये लेमन, ये वाला जो है ना, इसको पूरा खा सकते हो आप चबा के, ये चाहिए था बहुत दिन से। सो स्पून तो है, स्पून से भी खा सकते हैं लेकिन क्या करें, हम हाथ से खाते हैं तो ऑब्वियसली हाथ से ही खाएंगे, हाथ से ही मज़ा आता है, हाथ से खा के स्वाद आता है। चलो हाथ से टेस्ट करते हैं। मेरा तो ख़त्म हो चुका है, मैंने खाली कर दिया। अब फिलहाल रेचल खा रही है और विक्की खा रहा है, अभी मेरा तो ख़त्म खाली। बहुत अच्छा, सब कुछ रह गया, सबका थाली मिक्स हो गया था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ दाल थाली खा रहा हूँ, ये सिर्फ वेज थाली खा रहा है और ये सिर्फ पोर्क थाली खा रही है, सब मिक्स हो गया। सबसे ज़्यादा मैंने खाया, लास्ट मैन स्टैंडिंग सबका हो गया, जो गिलास में थोड़ा सा रायता। चीयर्स। वेरी गुड। तो हम लोग अभी आए नहीं आ चुके हैं, तो हम लोग अभी रसगुल्ला टेस्ट कर रहे हैं। चलो गाइस, अगर एंड तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।